Good morning. Today we are going to do question number 3 and question number 4. ये question number 3 और 4 जो है वो हम हिंदी में समझाएंगे ताकि आप लोग को दोनों मीडियम के लिए सुविधा हो. अभी 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि एप्सिलॉन नॉट जो है एप्सिलॉन नॉट इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और एसएमएस में बोला है मात्रा संकेत इसको निकालना है. डायमेंशनल फॉर्मूला और मात्रा संकेत निकालना है. तो पहले आप समझो एप्सिलॉन नॉट होता क्या है. एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस. परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इन एसएमएस इट विल बी वायुशून्य बा मुक्त पृष्ठर प्रवेश्यता. वायुशून्य बा मुक्त पृष्ठर प्रवेश्यता एंड इन इंग्लिश इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बा परमिटिविटी इन फ्री स्पेस. सो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे. नंबर वन हम लोग लिखेंगे फ्रॉम कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ से हम लोग को पता चलता है फ्रॉम कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ से हम लोग को पता चलता है एफ इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. अभी हम लोग का टारगेट है epsilon naught का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है. तो हम लोग क्या करेंगे 4 pi epsilon naught को इस तरफ लेके आ गया और इस तरफ रह जाएगा q1 q2 by r square. हम लोग को चाहिए epsilon naught 1/4 pi q1 q2 by r square. इतना तक हम लोग निकाल दिया. अभी हम लोग को क्या करना है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है. जब हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं तो फर्स्ट ईयर का जो कंसेप्शन है हम लोग को पता है जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसका डायमेंशन नहीं होता है. यहां पे 1/4 pi कांस्टेंट है तो इसका कोई डायमेंशनल पार्ट आएगा नहीं. हम लोग का डायमेंशनल पार्ट आएगा इसका. तो हम लोग लिख रहे हैं देयरफॉर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसका होगा. इसके लिए कुछ नहीं आएगा लेकिन यहां पे हम लोग का आ जाएगा q1 q2 और नीचे आ जाएगा r स्क्वायर f r स्क्वायर. नीचे क्या आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला f r स्क्वायर. तो इज इक्वल टू अभी चार्ज q मतलब होता है चार्ज. चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है at. q1 के लिए q1 जो चार्ज है उसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होगा at और q2 जो है उसके लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा at. फिर यहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला एफ फोर्स है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू और आर. आर मतलब डिस्टेंस दूरत्व. तो डिस्टेंस बा दूरत्व कारण है जितना है तो एल होता है. एल होता है और स्क्वायर रहने से ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर. सो हम लोग को इसको एक साथ में लाने से क्या होगा एम ऊपर में आ जाएगा तो एम टू द पावर माइनस वन. एल इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब होता है ऊपर में आने से हो जाएगा एल टू द पावर माइनस थ्री. टी दो है नीचे दो है लेकिन ऊपर में टी स्क्वायर और माइनस टू ऊपर में आने से हो जाएगा टी टू दी पावर फोर. ए दो है ऊपर में ए स्क्वायर और ये हो गया हम लोग का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का डायमेंशनल फॉर्मूला बा अखोमिया तमी टू कोम मात्रा संकेत. ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3. हमने यहाँ पे 1 लिख दिया था आज के लिए लेकिन कंटिन्यू कर रहा है तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम लोग को यहाँ पे ये आ गया. क्लियर है. अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बहुत अच्छे से समझोगे क्योंकि इसका जो कंसेप्शन हम अभी अप्लाई करेंगे ये कंसेप्शन आगे वाला चैप्टर्स में भी आते रहेगा. अलग अलग वैल्यू निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए भी हम लोग को यही कंसेप्शन चाहिए. सो इसका कंसेप्शन थोड़ा अच्छा से लेना है आप लोग को. हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए मैं पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा. एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया मैं छोटा करके कर रहा हूं बोर्ड का स्पेस कम है. एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया मैंने ए बी सी और हम लोग को बोला है कि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसमें ए पॉइंट पे 5 माइक्रोकूलम चार्ज है बी पॉइंट पे 10 माइक्रोकूलम चार्ज है और सी पॉइंट पे -10 माइक्रोकूलम चार्ज है. अभी हम लोग को बोला है कि ऐसा तो हम लोग प्लेस कर दिया. अभी इस पॉइंट पे मतलब ए पॉइंट पे टोटल फोर्स नेट फोर्स बा लब्ध बल क्या होगा वो हम लोग को निकालना पड़ेगा. इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा पहले हम लोग वैल्यूज लिख लेता है. पहले लिखो आप चार्ज चार्ज ऑन ए ब्रैकेट में हम लोग q1 समझा दिया. एसएमएस मीडियम लिखवा एअर्थ आधान चार्ज ऑन ए एअर्थ आधान q1 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम. यू ऑल नो
माइक्रो कूलम को हम लोग को कूलम में लेना पड़ेगा ऐसा यूनिट में, तो 5 × 10⁻⁶ कूलम। उसी तरह चार्ज ऑन बी ब्रैकेट में Q2 इज इक्वल टू 10 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 × 10⁻⁶ कूलम। उसी तरह हम लोग को क्या है, चार्ज ऑन Q3, चार्ज ऑन सी जिसको हम लोग समझाएंगे Q3 इज इक्वल टू -10। वो माइनस सी वैल्यू है लेकिन हम लोग को मैग्नीट्यूड हिसाब से आएगा 10 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 × 10⁻⁶ कूलम। ऐसा मीन मीडियम बी होता धन, सी होता धन। हो गया बात इतना। अभी आप समझो डिस्टेंस निकालना है हम लोग को, जो फोर्स निकालना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का वैल्यू को हम लोग आर से समझाता है। आर का वैल्यू यहां पे दिया है 5 सेंटीमीटर लेकिन इसको मीटर में लेना पड़ेगा तो हो गया 0.05 मीटर। तो हम लोग का चार्ज भी मिल गया, डिस्टेंस भी मिल गया। अभी हम लोग को क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। जब हम लोग को फोर्स निकालना है तो इस मैथ्स के लिए मैं दो कंसेप्शन आप लोग को समझाऊंगा जो आप लोग को पीछे जाके बहुत ही हेल्प होगा। सो बहुत अच्छा से इसको समझने का कोशिश करो। अभी क्या होगा, पहले मान लिया कि बी ए का ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, तो हम लोग ऐसा लिख रहे हैं देयरफॉर एफ ए बी, इसका मतलब होता है फोर्स ऑन ए ड्यू टू द चार्ज ऑन बी, फोर्स ऑन द चार्ज ए ड्यू टू द चार्ज ऑन द बी, ऑन द पोजिशन बी। और অসমীয়া মিডিয়ামে মতে এটো হব এ এর উপর বি এর কারণে যেটো আধান আছে, বি এর যেটো আধান আছে, বি এর থকা আধানে এ এর উপর ক্রিয়া করা বল, বি থকা আধানে এ থকা আধানের উপর ক্রিয়া করা বল। যখন ফোর্স হবে তো আমরা জানতে হয় 1/4πε0 Q1, Q1 কা ভ্যালু হয় 5 × 10⁻⁶ ইনটু Q2, Q2 কা ভ্যালু হয় 10 × 10⁻⁶ Q1 Q2 by R square 0.05 whole square। और फोर्स का यूनिट हमेशा क्या होता है, न्यूटन। ये आ गया FAB। लेकिन हम लोग सब जानता है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बॉल एट अ वेक्टर राशि। तो फोर्स जब वेक्टर क्वांटिटी होगा इसका डायरेक्शन भी देना है। यहां पे हम लोग देख रहे हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज है, जब दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा तो उन दोनों का बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, विकर्षण होगा, विकर्षण बा रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होने के लिए जो इसका फोर्स है, ये फोर्स इस तरफ होगा एफ ए बी, ये फोर्स इस तरफ आ गया क्योंकि रिपल्शन होगा तो इसका डायरेक्शन इस तरफ चला गया। क्लियर। अभी उसी तरह हम लोग लिखेंगे एंड एफ ए सी, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है फोर्स ऑन द चार्ज ए ड्यू टू द चार्ज ऑन सी। অসমীয়া মিডিয়াম ए थका आधानों ऊपर और सी थका आधाने क्रिया करा बल। तो इसके लिए भी हम लोग आएगा 1/4πε0 Q1, अभी Q1 5 × 10⁻⁶ इंटू Q2 10 × 10⁻⁶ Q3, Q2 का मतलब होगा यहां पे Q3 बाय आर स्क्वायर 0.05 होल स्क्वायर न्यूटन। अभी दोनों केस में मैं फिर से समझा रहा हूं, ये जो हो रहा था ये डायरेक्शन कौन सा हो रहा था, एलोंग बी ए, एलोंग बी ए, অসমীয়া মিডিয়াম लिखवा बी ए दिखत, बी ए दिखत। और इस तरफ होगा, इस तरफ ये इस तरफ चला गया, इस तरफ चला गया और इस तरफ आएगा इस तरफ, क्यों होगा आप समझो, एलोंग ए सी, क्यों होगा एलोंग ए सी, অসমীয়া মিডিয়াম ए सी दिखत क्यों होगा ए सी दिखत, क्योंकि ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज, विपरीत आधान, ऑपोजिट चार्ज होने से क्या होता है अट्रैक्शन, तो यहां पे अट्रैक्शन होगा इसलिए चार्ज इस तरफ आ जाएगा, दोनों आपस में खींचेगा एक दूसरे को, सो डायरेक्शन ये आ गया। तो अलोंग एसी, तो इस फोर्स को मैंने नाम लिख दिया एफ ए सी। इतना तक कॉमन है। इसका बाद जो मैथ्स हम लोग प्रोसीड करेंगे उसके लिए दो तरीका होता है, दो तरीका, और आप लोग को मैं दोनों तरीका समझाऊंगा ताकि आगे जाके आप लोग का कोई प्रॉब्लम ना हो। इतना तक कॉमन है, मैंने जो बोला इतना तक कॉमन है। अभी आप लोग का एक बात याद रखना पड़ेगा, यहां पे दोनों वैल्यू सेम आया, नोटिस करो दोनों वैल्यू आप लोग का क्या आया, सेम। तो इसका जो वैल्यू निकालोगे, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया यहां पर क्योंकि कैलकुलेशन पे टाइम लगेगा, इसका जब कैलकुलेशन करोगे आपको दोनों केस में मिलेगा 180 न्यूटन, दोनों केस में आपको मिलेगा 180 न्यूटन।
दोनों केस में, मतलब एफ ए बी का वैल्यू भी 180 न्यूटन, एफ ए सी का वैल्यू भी 180 न्यूटन, आप लोग कैलकुलेट करके देखना, ए ही वैल्यू आएगा, सिर्फ डायरेक्शन अलग, दिख बैलेट बैलेट, एक बी ए और एक ए सी। तो इतना तक आप लोग याद रखो, अभी हम लोग दो प्रोसेस में इसको हम समझाएंगे, इतना तक हो गया आप लोग का सब, इतना तक ओके। अभी समझने का कोशिश करो, अभी क्या होगा, मैं दो तरीके से इसको समझाऊंगा बोला है, तो दोनों तरीका में थोड़ा सा याद रखो, मैं फर्स्ट मेथड लिख दे रहा हूं यहां पे, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, ये जो दो फोर्स है एफ ए बी और ए सी, इसका बीच का एंगल कितना होगा। हम लोग पहले क्या लिया था, ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल बना कहूं बहुत ही बोझ, तो इसका एंगल कितना होता है 60 डिग्री, ये भी कितना होगा 60 डिग्री, और हम लोग जानता है जो साम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, मतलब इसका एंगल हो गया 120 डिग्री। और आप लोग ऐसा भी सोच सकते हो, ये 60 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा 120 डिग्री। तो फर्स्ट मेथड में हम लोग ये लिख रहा है कि हियर एफ ए बी इज इक्वल टू 180 न्यूटन, एफ ए सी इज इक्वल टू 180 न्यूटन, दोनों समान आ गया, देयरफॉर एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए सी इज इक्वल टू एक्स है, करने का सुविधा के लिए मैंने इसको एक्स पकड़ लिया, और थीटा जो होता है, थीटा होता है दोनों फोर्स का बीच का एंगल, वो है 120 डिग्री। तो यहां पे हम लोग को क्या होता है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो दो वेक्टर है जिसका बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर का कंसेप्शन अप्लाई करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन उसको अप्लाई करेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग का आएगा, देयरफॉर नेट फोर्स, नेट फोर्स एफ लब्ध बल, नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू, यहां पे स्पेस नहीं होगा, मैं इसको नीचे से पहले लिख रहा हूं, एफ इज इक्वल टू रूट ओवर एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ ए बी इंटू एफ ए सी डॉट कॉस थीटा। आई होप कि आप लोग को फॉर्मूला समझ में आ गया, जो हम लोग फर्स्ट ईयर में ऐसे कराया था, रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, वही फॉर्मूला को यहां पे हम लोग इस हिसाब से एक्सप्रेस किया। तो इज इक्वल टू क्या होगा, समझने के लिए मैंने इसको एक्स पकड़ लिया था, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू एक्स कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर आ गया, यहां पे भी 2x स्क्वायर आ गया, लेकिन कॉस 120 डिग्री का मैथ्स कॉन्सेप्शन, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू माइनस हाफ, मैं ये समझा नहीं रहा हूं क्योंकि ये मैथ्स में आपको आता है, तो इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर 2x स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, अल्टीमेटली रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और एक्स का वैल्यू एफ ए बी और एफ ए सी था, और सबका वैल्यू कितना था हम लोग का 180 न्यूटन। ये हो गया फर्स्ट मेथड, जो हम लोग फोर्स निकल दिया, क्या निकल दिया, नेट फोर्स कितना होता है 180 न्यूटन, समझ में आ गया सबको। लेकिन यहां पे और भी बात है, और भी बात ये है कि हम लोग को फोर्स निकलने दिया, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये जो हम लोग निकाला ये होता है मैग्नीट्यूड, बा एसएमएस में बोलेंगे मान। तो अभी हम लोग को इसको क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन बा दिख उला बोला गिबो, तो वो हम लोग पीछे रख देते हैं, क्योंकि मैं यहां पे सेकंड मेथड को डिस्कस करके इतना तक कैसे आता है वो समझा लेता हूं, फिर डायरेक्शन लिखेंगे। ये हम लोग मैग्नीट्यूड निकाला, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला, तब मैंने लब्ध बल और मान उलियाइसु। अभी देखो सेकंड मेथड में क्या कर सकता है, इसके सेकंड मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे वो समझने का कोशिश करो आप। हम लोग अभी यहां पर लिखेंगे सेकेंड मेथड, यहां पे हम लोग लिख दिया सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, दो वेक्टर है, और फर्स्ट ईयर में हम लोग को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अखोमियात वेक्टर वियोजन बुली कथाटा आमी पाइसिलु, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वो क्या था कि कोई भी वेक्टर को हम लोग दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकता है, जो ऐसा लाइन आता है उसमें कॉस आता है, और जो ऐसे परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग साइन लेते हैं। तो यहां पे आप समझो, ये जो एफ ए बी है उसका एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये आएगा, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये आएगा,
तो जब ये आ रहा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इसको हम लोग बोलेंगे एफ ए बी कॉस थीटा, और इसको हम लोग बोलेंगे एफ ए बी साइन थीटा। समझ में आ गया? इसको किसको डिवाइड किया हम लोग? एफ ए बी को, एफ ए बी कॉस थीटा, एफ ए बी साइन थीटा। उसी तरह जब एफ ए सी को हम लोग रिजोल्व करेंगे बा बियोजन कोरिन, तो इसका भी दो कंपोनेंट्स आएगा, एक इसी तरफ जाएगा, मैं थोड़ा नीचे लिखा लेकिन सेम लाइन होगा, एक्चुअली सेम लाइन होगा, आप लोग को समझने में दिक्कत आ सकता है इसलिए मैं सेम लाइन ही दे दिया, कोई बात नहीं। यहां पे आएगा एफ ए सी कॉस थीटा और इस तरफ नीचे का तरफ आ जाएगा एफ ए सी साइन थीटा। अभी आप समझो, जो एफ ए बी साइन थीटा है वो ऊपर का तरफ जा रहा है और एफ ए सी साइन थीटा नीचे का तरफ आ रहा है। थोड़ा पहले हम लोग को मिला था कि एफ ए बी और एफ ए सी दोनों बराबर है और यहां पे साइन थीटा है, तो ये दो फोर्स इक्वल है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, समान है लेकिन विपरीत दिखता से, सो दे विल कैंसल। तो अल्टीमेटली हम लोग का नेट फोर्स ये दोनों मिल रहा है। इसी बात को हम लोग यहां पे लिखेंगे जे एफ एफ ए बी इज रिजॉल्व, एफ ए बी इज रिजॉल्व एज एफ ए बी कॉस थीटा एंड एफ ए बी साइन थीटा। अगेन एफ ए सी इज रिजॉल्व एज एफ ए सी कॉस थीटा एंड एफ ए सी साइन थीटा। অসমীয়া মিডিয়াম এই কথাখিনি লিখিব লাগিব যে এফ এ বি বল এফ এ বি কস থিটা আৰু এফ এ বি সাইন থিটা লৈ বিয়োজিত হল, ঠিক তেনেকা এফ এ সি বল এফ এ সি কস থিটা আৰু एफ ए सी साइन थीटा लोई विजोजित होल। तो अभी जो हम लोग रिजोल्व कर लिया यहां पे, उसका बाद क्या देख रहा है? ये दोनों फोर्स अपोजिट था, यही हम लोग लिखेंगे जो नाउ एफ ए बी साइन थीटा एंड एफ ए सी साइन थीटा कैंसल इच अदर। মিডিয়াম লিখবা এফ এ বি সাইন থিটা এফ এ সি সাইন থিটা পরস্পরক নাইকিয়া করে, পরস্পরক নাইকিয়া করে, কিয় করে? কারণ দুটা বিপরীত দিকত আছে, পরস্পরক নাইকিয়া করে। সো দে আর ফোর নেট ফোর্স, নেট ফোর্স এফ লব্ধ বল, নেট ফোর্স এফ লব্ধ বল ইজ ইকুয়াল টু হোগা, ইয়ে ক্যান্সেল হো গিয়া, তো হাম লোগ কে পাস ক্যা রহ গিয়া? এফ ए बी कॉस थीटा प्लस एफ ए सी साइन थीटा। अभी इसका वैल्यू 180 था इनटू कॉस। अभी थीटा मतलब समझो, जो ये वेक्टर को हम लोग जब रिजोल्व किया है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का साथ जो एंगल फॉर्म करता है उसको हम लोग बोलते हैं थीटा। तो ऑटोमेटिकली ये थीटा क्या आ जाएगा हम लोग का? थीटा का वैल्यू यहां पे कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। आप निकल सकते हो क्योंकि इसका एंगल आप लोग ये 120 था, तो इस हिसाब से इसको पैरेलल हो गया, तो हम लोग को थीटा इज इक्वल कितना आ गया? 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री प्लस एफ ए सी, उसका वैल्यू भी 180 था, सॉरी यहां पे साइन थीटा नहीं आएगा, यहां पे तो एफ ए बी कॉस थीटा एफ ए सी कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री। और हम लोग जानता है 180 कॉस 60 का वैल्यू हाफ, 180 कॉस 60 का वैल्यू हाफ, कैंसिल करने से 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 न्यूटन। ये हुआ आपका दो मेथड, जो आगे जाके हम लोग को और लगेगा ये कंसेप्शन। दोनों कंसेप्शन में फोर्स निकालने का प्रोसेस हमने दिखा दिया, दो प्रोसेस में से कोई भी एक प्रोसेस आप अच्छा से समझ लो जो आपको बाद में हेल्प करेगा। अभी जो फोर्स निकालना था तो यहां पे और एक चीज छूट गया हम लोग का, और वो चीज है डायरेक्शन। अभी लिखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बोलो और देख, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोल और देख। अभी जब हम लोग
डायरेक्शन लिखेंगे, दिख निकलना है हम लोग को डायरेक्शन दिख, तो हम लोग लिखेंगे ये जो एंगल है, ये एंगल को मैं मान लिया बीटा पकड़ लिया, ये हुआ डायरेक्शन हम लोग को, तो हम लोग का फॉर्मूला आएगा टेन बीटा इज इक्वल टू एफ ए सी साइन थीटा थीटा साइन थीटा बाय एफ ए बी प्लस एफ ए सी कॉस थीटा। ये है हम लोग का फॉर्मूला। क्यों फॉर्मूला आया आप लोग को मैं याद दिला देता हूं, फर्स्ट ईयर में आप लोग को ऐसा मिला था टेन बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग को फर्स्ट ईयर में मिला था जहां पे ए और बी दो वेक्टर था। तो हम लोग क्या करेंगे अभी यहां पे वैल्यू बैठाएंगे, एफ ए सी का वैल्यू 180, साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री, साइन थीटा थीटा का वैल्यू कितना आएगा 60 डिग्री, और एफ ए बी 180 प्लस एफ ए सी 180 इंटू कॉस 60। तो यहां पे कितना आएगा 180 इंटू रूट थ्री बाई टू, 180 प्लस 180 इंटू हाफ इज इक्वल टू 90 रूट थ्री, और यहां पे आएगा 270। 90 से 270 को काटने से 3 आएगा, आपको मिल रहा है रूट थ्री बाई थ्री, इसको फिर कैंसिल करने से 1 बाई रूट थ्री इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। सो 10 बीटा इज इक्वल टू 10 30 डिग्री, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सॉरी एक बात गलत हो गया, यहां पे थीटा का वैल्यू यहां पे वो लेना है 120 डिग्री, दो वेक्टर का बीच का एंगल यहां पे 120 डिग्री, तो यहां पे साइन 120 डिग्री का वैल्यू यही आएगा रूट थ्री बाई टू ही आएगा, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू माइनस ऑफ आएगा, तो यहां पे 90 रूट थ्री आएगा लेकिन यहां पे आ जाएगा 90, तो अल्टीमेटली आपका वैल्यू यहां पे आ गया रूट थ्री, 90 कैंसल रूट थ्री इज इक्वल टू 10 60 डिग्री, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। तो आपको ये वैल्यू भी मिल गया कितना 60 डिग्री। अभी ये 60 डिग्री ये भी 60 डिग्री, ये दोनों अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल अकमियात कोण एकांतर कोण, যদি অল্টারনেট এঙ্গেল বা একান্তর কোণ হয়ে আসে তাহলে এই টু লাইন আর এই টু লাইন কি হয়ে যাবে প্যারালাল বা সমান্তরাল হবে। সো দেয়ারফর নেট ফোর্স লব্ধ বল, নেট ফোর্স মানে লব্ধ বল এফ ইজ ইকুয়াল টু 180 নিউটন কমা প্যারালাল টু বিসি, বিসির সমান্তরাল মতলব যে নেট ফোর্স হোগা ও বিসি কা প্যারালাল হোগা আর বিসি কা তরফ एक्ट करेगा। यहाँ पे ये गलती जो हुआ था उसको समझ लो, यहाँ पे थीटा का मतलब होगा जो दो वेक्टर का बीच का एंगल है उसको निकल रहा है हम लोग, एफ ए बी और एफ ए सी दोनों का बीच का जो एंगल है उसको निकल रहा है, और उस एंगल का वैल्यू कितना होगा 120 डिग्री। यहाँ पे एरर नहीं होना चाहिए था, स्लिप हो गया था मेरा। तो ये है हम लोग का दो साउंड जो आपको अच्छे से देखना है और समझना है। ओके बाय, हैव ए गुड डे।